दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारी थंबनेल में देख चुके हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया के बारे में बताएंगे कि जब आप स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाते हैं तो आपको कितनी फीस लगती है और कितने रुपए का फार्म आता है। दोस्तों, अगर आपने LLB या BLLB 5 ईयर की डिग्री प्राप्त कर ली है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं एडवोकेट का। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने स्टेट के बार काउंसिल में चले जाना है। जैसे मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर है तो आपको जबलपुर में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। दोस्तों, सबसे पहले आप स्टेट बार काउंसिल जबलपुर में जाते हो तो वहां से आपको चालान खरीदना है, जो चालान आपको 1500 रुपये का मिलेगा। और उस चालान को भरकर आपको नीचे यूनियन बैंक है उसमें जमा कर देना है। उसके बाद फिर से ऊपर आना है अंडरटेकिंग में, यानी कि लेखा विभाग में, वहां पर आपको है चालान दिखाना है। तो आपको यह फॉर्म मिल जाएगा। दोस्तों, आप देख सकते हो इस फॉर्म की कीमत यहाँ पर डली हुई है 1500 रुपये। यह फॉर्म 1500 रुपये का आपको मिलेगा। उसके बाद आपको इस फॉर्म को भर देना है। इसके पहले पेज में आप दोस्तों देख सकते हो, सबसे पहले लिखा होगा मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद अधिवक्ता नामांकन हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2022 और 2023। सबसे पहले इसमें आपको अपना नाम भरना है प्रथम पेज में। दोस्तों, आप इसको इस फॉर्म को भरने के बाद पूरा जब आपका ये फॉर्म भर जाए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है इस फॉर्म को भरने में तो हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे जिससे आप संपर्क कर सकते हो। क्योंकि मेरे पास ये दोस्तों दूसरा फॉर्म भरा हुआ है जो मैंने अपने अप्लाई किया था, अपना भरकर जबलपुर में अप्लाई किया था, मैंने ही अपना फॉर्म भरा था। तो मैं आपको बता दूंगा कहां पर क्या भरना है। आप इस फॉर्म को भरते समय किसी भी प्रकार की गलती नहीं करें। यह फॉर्म भर जाने के बाद आपको इसमें दो अधिवक्ताओं के सिग्नेचर भी करवाने पड़ते हैं और उनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी इसमें डलता है। और आपको जब यह फॉर्म आपका भर जाएगा तो आपको इसमें 3 फोटो लगानी पड़ेगी। दोस्तों, जो आप देख सकते हो इसमें 3 फोटो लगती हैं। उसके बाद आपको इसमें नोटरी भी करवानी पड़ती है नोटरी ऑफिसर से। दोस्तों, आपको हम नोटरी ऑफिसर का नंबर दे रहे हैं तो आप उनसे संपर्क कर लीजिए, आपको उचित रेट पर नोटरी कर दी जाएगी। उनका नंबर है 94067-0215। उनका नाम है श्रीमती सरिता चौरसिया, हाई कोर्ट में है नोटरी ऑफिसर। इनसे आपको संपर्क कर लेना है, आप उनका नंबर नोट कर लीजिए तो आपकी नोटरी उचित रुपयों में हो जाएगी, आपको ज़्यादा रुपए भी नहीं लगेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम जाती है तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हो। इस फॉर्म को भरने के बाद दोस्तों आपको यह फॉर्म अंडरटेकिंग में जाकर, यानी कि लेखा विभाग में जाकर चेक करवा लेना है। उसके बाद पुनः आपको यूनियन बैंक में आना है, वहाँ पर आपको जो रसीदें मिलेंगी उसको जमा कर देना भर कर। उन रसीदों के साथ आपको यूनियन बैंक में 19,350 रुपये जमा करने पड़ेंगे, जो इस फॉर्म के साथ ही जमा होते हैं। 19,350 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन के लगेंगे और 1500 रुपये इस फॉर्म के लगेंगे और नोटरी के लगेंगे। दोस्तों, यह फीस है स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाने की। उसके बाद दोस्तों आपको अपनी मार्कशीटों के 2 सेट बनाना है और इस फॉर्म के साथ जमा कर देना है ऊपर अंडरटेकिंग में। 10वीं की मार्कशीट होना चाहिए, 12वीं की मार्कशीट होना चाहिए, ग्रेजुएशन की मार्कशीट होना चाहिए और LLB प्रथम सेमेस्टर की मार्कशीट होना चाहिए। इनके 2 सेट बनाकर आप इस फॉर्म के साथ जमा कर दीजिए लेखा विभाग में।
फिर उसके बाद आपको दोस्तों इस प्रकार की रसीदें मिलती हैं, उन रसीदों को रख लीजिए, एक हफ्ते या 15 दिन बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। दोस्तों यही प्रक्रिया है स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाने की। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हो या हमसे बात भी कर सकते हो। हम आपको इस फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी बता देंगे किस प्रकार से आपको यह फॉर्म भरना है। इस फॉर्म को भरने में आप गलती नहीं करिए, नहीं तो आपका फॉर्म जमा नहीं होगा। आप किसी भी सीनियर अधिवक्ता से एक बार सलाह ले लीजिए इस फॉर्म को भरने के लिए। आप खुद मत भरिए, नहीं तो आपसे गलती हो जाएगी। मेरे पास भी एक भरा हुआ फॉर्म है, अगर आपको चाहिए तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हो, हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध करा देंगे। जो मेरे पास एक भरा हुआ फॉर्म है आप देख सकते हो, इस मोबाइल में मैंने जो अपना फॉर्म भरा था फोटो खींच ली थी, जिससे आप सभी लोगों को कोई प्रॉब्लम ना जाए इस फॉर्म को भरने में। दोस्तों आप लोगों से यही विनती है कि आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों धन्यवाद, आपके लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियो लाता रहूँगा।